أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله Thank you very much for joining. सहाबा को जानो कि इस सीरीज के एपिसोड 17 में आज हम जिन दो असहाब कराम का जिक्र करने जा रहे हैं उनके नाम है जनाब अबू बसीर मुरादी और जनाब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम जनाब अबू बसीर मुरादी के बारे में है कि इनका नाम था लैस इब्ने बख्तरी और इनका जो कुन्नी थी वो अबू बसीर था और जो सरनेम था तो मुरादी था जनाब अबू बसीर के बारे में हमने कुछ लेक्चर्स पहले भी देखा था कि इमाम सदकाम की हदीस है कि चार लोग हैं जिनकी वजह से अहले अहल बैतुम का फिख जो है वो मेंटेन्ड है वो जो है बचा हुआ है और वो है जनाब अबू बसीर मुरादी जनाब जुरारा इब्ने आयिन जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम और जनाब बुरीद इबन मआविया अजली आज इनशा हम जनाब अबू बसीर और जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे जनाब जुरारा के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में और जनाब जली के बारे में उससे पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं जनाब अबू बसीर मुरादी के बारे में है कि ये जो है बहुत ही रिलायबल पर्सन थे बहुत ट्रस्ट थे बहुत भरोसेमंद थे अहदीसों को बयान करने में और बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे कई सारी अहदी जो छठे इमाम अलैहिस्सलाम की हम तक पहुंची है वो जनाब अबू बसीर के थ्रू पहुंची यहां तक कि कुछ रवायतें जो करबला से रिलेटेड है वो भी जनाब अबू बसीर मुरादी ने जो है हम तक पहुंचाई है दूसरे जो सहाबी है वो है जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम के बारे में कि वो हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम और हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के खास सहाबियों में से थे जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम के बारे में है कि उन्होंने पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद से हदीसे याद की थी तीस हजार सोलह हजार हदीसे इमाम जाफर सादिकम से जस्ट इमेजिन फोर्टी सिक्स थाउजेंड हदीसे जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम से जो है हम तक पहुंची है इतने रिलायबल थे वो ट्रेडिशन बयान करने में अबू कहमश नाम के एक शख्स से हिस्ट्री में मेंशन है कि वो एक बार इमाम के पास आए तो इमाम ने कहा कि कूफे में अबू नाम का कोई जज है जिन्होंने जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम की जो है टेस्टिमनी उनकी गवाही को जो है रद्द कर दिया एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम उसके पास जाओ और कुछ सवालात शरीयत से रिलेटेड जो मैं बताता हूँ वो करो वो उसे जवाब नहीं दे पाएगा फिर तुम तो उससे कहना कि मोहम्मद बिन मुस्लिम जैसा शख्स जो अहदीसों को इतनी जानता है और बयान करता है है दीन इस्लाम को को जानता तुम तो उसकी गवाही हैद नहीं कर सकते इसी तरह कूफे के काजी शुरे के बारे में भी मेंशन ने कि उसने भी जो है मोहम्मद बिन मुस्लिम की टेस्टिमनी को एक्सेप्ट नहीं किया तब भी जो है इमाम ने अपने दो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर काजी शुरे को बताया कि जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम जो है वो बहुत ही रिलायबल है बहुत भरोसेमंद है और उनकी टेस्टिमोनी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे दो नया साहब की स्टोरी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग वा आखिर दावानान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वर मुहम्मद वली मुहम्मद सल्लवात اللهم صل على محمد